भारत सरकार ने मोर की अद्भुत सुंदरता के कारण 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया था। मोर एक सुंदर पक्षी है जो भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन में पाया जाता है। मोर को पक्षियों का राजा कहते हैं। मोर को पक्षियों क्योंकि बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर यह पक्षी जब पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है कि मानो इसने हीरो से जड़ी शाही पोशाक पहन रखी है। इसके सिवाय इसके सिर पर लगी ताज जैसी कलगी भी इसे पक्षियों के राजे का किताब देती है। भारत के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। मोर के पंख काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन यह केवल नर मोर में ही पाए जाते हैं। एक मोर की पूंछ पर लगे गुच्छे में 150 की गिनती तक पंख हो सकते हैं। मोर का औसतन जीव काल 10 से 25 वर्ष का होता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पेओक्रिस्टेटस है। अंग्रेजी में इस पक्षी को पीफॉल कहा जाता है। नर मोर को पीकॉक जबकि मादा मोर को पीहेन कहा जाता है। मादा मोर साल में 2 बार अंडे दे सकती है। एक बार में अंडों की संख्या 4 से 8 तक हो सकती है। मोरनी ज्यादातर गड्ढों में अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलने में 25 से 30 दिन का समय लग सकता है। नन्हे मोरों को बड़ा होने में 3-4 साल लग जाते हैं, लेकिन बेहद कम बच्चे ही बड़े हो पाते हैं क्योंकि इससे पहले ही कुत्ते और अन्य जानवर इन्हें खा जाते हैं। कभी कभी मोर 12 से 15 अंडे तक दे देते हैं। हिंदू धर्म में मोर को उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इसे पक्षी के महत्व को दर्शाता है। भारत के इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह भी मोर हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था उसकी रचना भी मोर जैसी ही थी। 2 मोरों के बीच बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर। इस तख्त को तख्त ए ताउस कहा जाता था। ताउस अरबी भाषा का शब्द है जो मोर के लिए उपयोग होता है। किसी मोर के लिंग का पता लगाना बेहद आसान है। नर मोर के सिर पर लगी कलगी आकार में बड़ी होती है, जबकि मादा मोर की कलगी छोटी होती है। मोर के पंख काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन यह केवल नर मोर में ही पाए जाते हैं। एक मोर की पूंछ पर लगे गुच्छे में 150 की गिनती तक पंख हो सकते हैं। साल में वर्षा ऋतु के दौरान यानी कि अगस्त के महीने में मोर सभी पंख जड़ जाते हैं, लेकिन गर्मियां आने से पहले यह पंख फिर से निकल आते हैं। मोर एक सर्वाहारी पक्षी है जो घास, पत्ते, चने और गेहूं से लेकर कीड़े मकोड़ों और सांप तक को भी खा सकता है। मोर किसानों का मित्र पक्षी है। यह खेतों में से कीड़े मकोड़े, चूहे, छिपकलियां, दीमक और सांपों को खा जाता है, लेकिन खेतों में खड़ी लाल मिर्च देखकर मोर उसे भी खा जाता है, जिससे किसानों को थोड़ा नुकसान भी होता है। मोर वैसे तो जंगलों में रहना पसंद करता है, लेकिन भोजन की खोज इसे इंसानी आबादी तक ले आती है।
रहने के लिए मोर दूसरे पक्षियों की तरह किसी प्रकार का विशेष घोंसला या। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें।